सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन, इसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है और 90 ग्राम सॉल्वेंट गिवन है जो कि वाटर है, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 2.8 किलो पास्कल है और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है। ठीक है, ये सारा सिस्टम दिया गया है। इसमें एक सिस्टम ये दिया गया है कि अगर आप इस वाले सॉल्यूशन में प्लस 18 ग्राम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जो नया वेपर प्रेशर होता है वो 2.9 किलो पास्कल बन जाता है। किस पे? 298 केल्विन पर ही। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 298 केल्विन निकालना है। ये पूरा हिसाब किताब आपको दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। आप ध्यान दें कि मोल ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो 90 ग्राम वाटर क्वेश्चन में दिया गया है, 90, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, भाई 1 × 2 + 16 18, तो ये आपका आ जाएगा 5। इसी तरह से मोल ऑफ सॉल्यूट अगर लेंगे तो सॉल्यूट 30 ग्राम दिया था और इसका मॉलिक्यूलर वेट एम डैश ले लेते हैं, हमको मालूम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें वैल्यूज डालेंगे बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो ये हो जाएगा पी नॉट कॉमा लगा रहे माइनस सॉल्यूशन का 2.8 किलो पास्कल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 30 अपॉन m डैश एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन m डैश और वाटर का कितना है, 5 है। अब इसको ओपन कर लेंगे, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू, ये सारा सिस्टम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 − 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू। अब बच्चे आप ध्यान दें, ये जो यहां पे सिस्टम था ये हो जाएगा, इसमें पहले तो आप देख ले कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 अपॉन m डैश होल अपॉन 30 + 5 m डैश होल अपॉन m डैश, तो m डैश कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 30 अपॉन 30 + 5 m डैश। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 1 − 30 अपॉन 5 m डैश + 30। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 5 m डैश + 30 − 30 होल अपॉन 5 m डैश + 30। अब ये दोनों प्लस 30 − 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 m डैश होल अपॉन 5 m डैश + 30 और पी नॉट अपॉन 2.8 रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 m डैश + 30 अपॉन 5 m डैश। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके आगे चलते हैं और इक्वेशन नंबर 1 के बाद आफ्टर आफ्टर एडिशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर अब क्या होगा।
अब जो तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा वो 90 प्लस 18 अपॉन 18 हो जाएगा, ये 108 अपॉन 18 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये 2.9 किलो पास्कल है आपका। तो फिर से राउल्ट्स लॉ में वैल्यू रखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस होल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये बच्चे उसी तरीके से 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है इसको लिखेंगे 30 अपॉन m डैश होल अपॉन 6 m डैश प्लस 30 अपॉन m डैश, और बच्चों m डैश कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट कैंसिल होने के बाद आपका आएगा 1 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई p नॉट इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 m डैश प्लस 30, और 2.9 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 30 अपॉन 6 m डैश प्लस 30। ठीक है, तो 2.9 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 6 m डैश प्लस 30 माइनस 30 होल अपॉन 6 m डैश प्लस 30। अब आपका ये +30 -30 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2.9 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 m डैश अपॉन 6 m डैश प्लस 30। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करने जा रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करने जा रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा, ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन 2.8 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन 2.9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 m डैश प्लस 30 होल अपॉन 5 m डैश होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6 m डैश प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 6 m हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 m डैश प्लस 30 अपॉन 5 m डैश इंटू 6 m डैश डिवाइडेड बाई 6 m डैश प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.9 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है 6 m डैश ब्रैकेट में 5 m डैश प्लस 30 होल अपॉन 5 m डैश ब्रैकेट में 6 m डैश प्लस 30, यहाँ पे आपका m डैश कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है 2.9 विद इन ब्रैकेट 30 प्लस 2.9, और हाँ ये 5 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2.9 30 प्लस m डैश प्लस 150 इज इक्वल टू 2.8 30 m डैश प्लस 180 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 m डैश प्लस 435 इज इक्वल टू 840 m डैश प्लस 504 504। तो 87 m डैश माइनस 84 m डैश इज इक्वल टू 504 माइनस 435, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 m डैश इज इक्वल टू 69, यानी m डैश इज इक्वल टू 69 बाई 3 इज इक्वल टू 23। ये पहला आंसर आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा मास, जो भी आपका मास पूछा गया था, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ये पूछा गया था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
तो प्यारे बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपका, या मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया है। अब ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तब जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5 m डैश, तो 5 × 23 + 30 होल अपॉन 5 × 23। यह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 145/115। तो ये बच्चे आने वाला है आपका कि पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 145 × 2.8 होल डिवाइडेड बाई 115, और ये आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। 3.53 किलो पास्कल, ये सेकेंड आंसर भी बच्चों आपका आ गया है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।